Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the new lesson of ICT series. Today, the topic of our discussion is information processing cycle. There are four main parts or four main operations in of information processing cycle that are input, processing, output, and storage. Information processing cycle. इसके स्टेप्स को रिव्यू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है क्या। अ कंप्यूटर कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय परफॉर्मिंग वेरियस एक्शंस, और वो एक्शंस हैं हमारी साइकिल का पार्ट। हमारा कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ये कंप्यूटर का मेन टास्क है। कैसे करता है वो हम आज देखेंगे, बाय परफॉर्मिंग वेरियस एक्शंस, और उन एक्शंस को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। दीज ऑपरेशंस आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। जो ऑपरेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं उनको क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। एग्जांपल के साथ चलते हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर को टास्क मिला है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है सॉल्व दो नंबर्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल 2+2 करना है या 2 > or = 5, ये ट्रू है या फॉल्स, इसका रिजल्ट लाना है। वो कैसे करेगा कंप्यूटर, वो हम आज देखेंगे कि ये जो डाटा है इसका रिजल्ट यानी इसकी इंफॉर्मेशन कैसे बनती है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। दीज ऑपरेशंस आर सेट ऑफ स्टेप्स The computer follows to receive data, process data according to instruction, display the resulting information to the user, then store the results. ये operations क्या हैं? हमारे पास ऐसे steps हैं जो computer follow करता है data को receive करने के लिए, फिर उसको process करने के लिए, and then उसको display करवाता है as the result to the user, और उसको बाद के लिए store भी कर लेता है। जैसा कि पहले बताया था मैंने आपको कि हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये चार पार्ट्स हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में ये चार चीजें आती हैं, इन चार चीजों की डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम से इसको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास इनपुट होता है डेटा। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर को सॉल्व करना है 2+2, तो वो क्या होगा, इनपुट होगा, देन उस पर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग कैसे, इनपुट में क्या आ गया 2+2, प्रोसेसिंग में वो क्या हो गया 4, आउटपुट में वो 4 ही डिस्प्ले होगा। और स्टोरेज की वजह से क्या होगा कि कंप्यूटर की मेमोरी में उसकी जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है उसमें स्टोर हो जाएगा, या फिर वॉलेटाइल मेमोरी में भी स्टोर हो सकता है। इसमें जो कंफ्लिक्ट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेनली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल हमारे पास है इनपुट, ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है थ्रू प्रोसेसर, यानी उस डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। स्टोरेज हमारे साथ साथ काम करती है। स्टोरेज, डाटा स्टोर कब होगा, कंप्यूटर का एक मेन ऑपरेशन है, मेन इसका एक लेआउट थीम है, एक तरीका है काम करने का, स्टोर एंड मिल, यानी कंप्यूटर किसी भी चीज को पहले स्टोर करता है देन उस पर काम करता है। तो क्या होगा, इनपुट हमारी स्टोर हो जाएगी हमारी रैम में, वॉलेटाइल मेमोरी में, फिर वहां से प्रोसेसर एक्सेस करेगा और उस पर प्रोसेसिंग करेगा। अगर यूजर ने कहा है कि उसको इसको वॉलेटाइल मेमोरी से नॉन वॉलेटाइल में सेव करना है बाद के लिए, तो वो स्टोरेज में चला जाएगा, अदरवाइज वो आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। मेनली जो हमारे पास समरी है वो ये है कि इनपुट आएगा, ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, उससे पहले स्टोर होगा रैम में, प्रोसेसिंग होगी रोम में, स्टोर करना होगा वहां हो जाएगा, और अगर आउटपुट डिस्प्ले करवाना होगा तो डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं तो स्टोर ही रह जाएगा। इनपुट, इनपुट क्या है, एंटरिंग डाटा इंटू द कंप्यूटर। इनपुट हर वो चीज जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट है। ड्यूरिंग दिस पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल द कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा। इस पार्ट में क्या होता है, कंप्यूटर बाहर से यानी यूजर से या किसी भी प्रोग्राम के थ्रू, किसी भी डिवाइस के थ्रू डाटा लेता है, एंटर करवाता है खुद में। इनपुट इज गिवन बाय यूजिंग सम इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड यूज कर सकते हैं हम इनपुट के लिए, माउस यूज कर सकते,
जैसे हम करते हैं माउस से क्लिक अपनी स्क्रीन पर, तो वो भी इनपुट के थ्रू जाता है कंप्यूटर तक। जो हम क्लिकिंग करते हैं वो भी हमारा इनपुट कहलाता है। कीबोर्ड से जो हम टाइप करते हैं वो भी हमारा इनपुट है। इनपुट डिवाइसेस और भी हो सकती हैं, स्कैनर्स आजकल यूज हो रहे हैं। तो इस तरीके से सबसे पहला स्टेप हमारे पास हमारी प्रोसेसिंग साइकिल में हो गया इनपुट। इनपुट हमारे पास जो है वो इंस्ट्रक्शन दे भी सकता है, या फिर या तो ये इंस्ट्रक्शन दे सकता है, या तो एज अ इंस्ट्रक्शन काम करेगा, या तो डाटा प्रोवाइड करेगा प्रोसेस को कि किस डाटा पर काम करना है, और इंस्ट्रक्शन देगा कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं क्या काम करना है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टेप है। इस स्टेप में हमारा जो डाटा है वो मेनली कन्वर्ट होता है इंफॉर्मेशन में। हमने जो ऑपरेशन डेटा पर परफॉर्म करना होता है वो इस स्टेप में, उसकी जो परफॉर्म करना होता है वो इस स्टेप में परफॉर्म होता है। उसकी मैनिपुलेशन इस स्टेप में होती है। इस पार्ट में क्या होता है, जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग कंपोनेंट होता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है? हमारे पास कंप्यूटर प्रोसेसिंग कंपोनेंट है सीपीयू, हमारा प्रोसेसर। सीपीयू परफॉर्म करता है एक्शंस, यानी डाटा ने प्लस होना है, माइनस होना है, सेव होना है, डिलीट होना है, डिस्प्ले होना है, या जो भी होना है वो सीपीयू परफॉर्म करता है। और बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी यूजर ने कहा है, अगर यूजर ने कहा है इसको सेव कर दो, कहा है इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, उस तरीके से सीपीयू इस पर परफॉर्म करता है कोई भी टास्क, जिससे वो बन जाता है हमारा इंफॉर्मेशन। हम अपनी पिछली एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं, 2 + 2। तो ये 2 + 2 4 कैसे होगा? थ्रू सीपीयू। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रेफर्स टू द मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटलाइज्ड इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? डिजिटल फॉर्म में होती है। हमारी फिजिकल फॉर्म तो नहीं होती ना, हार्ड फॉर्म तो नहीं होती। तो जो डिजिटलाइज्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास पहुंच चुकी होती है, उसकी मैनिपुलेशन, ठीक है, उसकी मैनिपुलेशन कहलाती है हमारी प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं हम, आउटपुट। आउटपुट हमारे पास जो इनपुट हुआ था, उस पे जो प्रोसेसिंग हुई थी, उसका जो रिजल्ट है वो होता है आउटपुट। आउटपुट डिस्प्ले होता है थ्रू डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स, डिस्प्ले स्क्रीन्स, वीडियो एंड ऑडियो डिवाइसेस, इसमें स्पीकर्स आ जाते हैं। आउटपुट इज वेयर द कंप्यूटर टेक्स इंफॉर्मेशन। आउटपुट क्या है? कंप्यूटर ने जो प्रोसेसिंग स्टेज से इंफॉर्मेशन गेन की है वो डिस्प्ले करवाना क्या है? आउटपुट, ताकि यूजर उसको देख सके। कंप्यूटर मे बी रिक्वायर्ड, शायद, यानी मे बी, हो सकता है कि कंप्यूटर को रिक्वायर्ड हो आउटपुट, यानी कि कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो हमें आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवानी होती। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारी पिक्चर्स को आप सेव कर लो, ताकि हमें जब भी चाहिए हो हम देख के तो दोबारा से इसी में सेव रहने दें। तो इसमें क्या है, इसमें आउटपुट आ रही है, ठीक है, इसमें आउटपुट, अगर हम उन पिक्चर्स को सिर्फ सेव करके रख रहे हैं, दोबारा अभी व्यू नहीं कर रहे, तो उसमें क्या है कि हमने उसको स्टोर कर दिया है, आउटपुट नहीं दी। लेकिन अगर हम उनको सेव करने के बाद दोबारा ओपन करके देख रहे हैं तो वो क्या है, आउटपुट है। लेकिन अगर हमने सिर्फ सेव करके अपना लैपटॉप, कंप्यूटर या अपनी जो डिवाइस है वो बंद कर दी है, तो हमने उससे आउटपुट नहीं लिया। फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट में अपियर एज टेक्स्ट, नंबर्स और अ ग्राफिक। रिजल्ट हमारे किस किस फॉर्म में अपियर हो सकता है? जैसा डाटा होता है वैसा ही रिजल्ट हो सकता है, टेक्स्ट, नंबर्स, ग्राफिक्स, यानी किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है, ऑडियो वीडियोस भी हो सकती हैं। कंप्यूटर कैन ऑल्सो सेंड आउटपुट टू प्रिंटर। प्रिंटर पे भी आउटपुट सेंड किया जा सकता है। कंप्यूटर जो है प्रिंटर को अपना डाटा सेंड करेगा, इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, और प्रिंटर के थ्रू उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट फॉर्म है, वो हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट होके हम तक पहुंच जाएगी। जो पेज हमारे पास आएगा वो हमारी आउटपुट है, वो हमारी हार्ड फॉर्म की आउटपुट है, उसको भी हम आउटपुट ही कहेंगे। या हम जो अपना आउटपुट है उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स तक, या इंटरनेट पर अपलोड भी कर सकते हैं। आउटपुट एक ऑप्शनल स्टेप है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमें अपना हर तरह का डाटा आउटपुट करवाना हो।
रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए हम इसको ऑप्शनल स्टेप कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है स्टोरेज। स्टोरेज हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। इसमें दोनों डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पहले बता देती हूँ। रैम हमारे पास जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि अगर हम अपने लैपटॉप, पीसी या डिवाइस को शट डाउन या पावर ऑफ कर दें या उसकी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ख़त्म कर दें, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो नहीं, हम ये कह सकते हैं कि शट डाउन कर दें, तो रैम का जो डाटा है वो वैनिश हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि रैम जो है वो एक टेम्पररी स्टोरेज है। रोम जो है हमारे पास नॉन वॉलेटाइल होती है, अगर हम अपने लैपटॉप पीसी को शट डाउन भी कर दें तब भी डाटा मेंटेन रहता है, जो रोम में डाटा स्टोर होता है वो परमानेंट डाटा होता है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। स्टोरेज हमारे पास क्या है, जो हमने इनपुट लिया था, मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया था कि कंप्यूटर का मेन जो तरीका है काम करने का वो है स्टोर एंड मिल। तो यानी जो इनपुट आएगा वो पहले स्टोर करेगा उसको और देन उस पर काम करेगा, ठीक है। उसने इनपुट लिया और उसको स्टोर कर दिया अपने मेमोरी में। अब ये जो इनपुट लेकर स्टोर होता है वो होता है रैम में, ठीक है। ये जो स्टेप होता है ये किस में हो रहा है, रैम में। इनपुट आया, रैम में स्टोर हुआ और फिर उस पर प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग होने के बाद, आउटपुट होने के बाद रैम से डाटा ख़त्म हो जाता है और नया डाटा आ जाता है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रोसेस ये है कि सीपीयू कंप्यूटर की टेम्पररी स्टोरेज में डाटा लिख देता है जब वो इनपुट होता है, ठीक है। जब हमारे पास डाटा इनपुट होता है तब सीपीयू उसको क्या करता है कि उसको प्रोसेसिंग से पहले टेम्पररी स्टोरेज में सेव कर लेता है, स्टोर कर देता है, ताकि अभी मैं इस पर काम करने वाला हूँ, अभी मैंने इस पर काम नहीं किया लेकिन मैं करने वाला हूँ। टेम्पररी स्टोरेज होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वही हमारी रैम है। स्टोरेज डिवाइसेस हैं हार्ड डिस्क, कंप्यूटर मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। कुछ स्टोरेज डिवाइसेस बिल्ट इन होती हैं कंप्यूटर में, कुछ हम एक्सटर्नली अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क हमारी बिल्ट इन है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव हम एक्सटर्नली अटैच करते हैं और इसमें भी हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। अब ये जो अगला बताया जा रहा है ये परमानेंट स्टोरेज, यानी रोम की बातें चल रही हैं। कंप्यूटर परमानेंटली स्टोर रिजल्ट ऑफ इट्स प्रोसेसिंग ऑन अ डिस्क। कंप्यूटर हार्ड डिस्क में परमानेंटली डाटा स्टोर भी कर सकता है, किसी टेप में या किसी भी टाइप के स्टोरेज मीडियम में, यूएसबी फ्लैश ड्राइव में, फ्लॉपी डिस्क मेमोरी, जिसमें भी सेव करना है अकॉर्डिंग टू यूजर इंस्ट्रक्शंस वो सेव कर लेता है। एज विद आउटपुट स्टोरेज इज ऑप्शनल एंड मे नॉट ऑलवेज बी रिक्वायर्ड बाय द यूजर और प्रोग्राम। आउटपुट की तरह स्टोरेज भी ऑप्शनल हो सकती है, परमानेंट स्टोरेज ऑप्शनल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने अपना बहुत ही क्रिटिकल डाटा परफॉर्म किया, यानी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा पे प्रोसेसिंग की है, और प्रोसेसिंग करने के बाद वो उस डाटा को स्टोर नहीं कर रहा, वो अपने डाटा को सेव रखना चाह रहा है अपने पास, यानी कि वो कंप्यूटर में सेव नहीं रखना चाह रहा कि कोई अनऑथेंटिक पर्सन उसको एक्सेस ना कर ले। कंप्यूटर डिवाइस कोई भी एक्सेस अगर कर सकता है तो कोई अनऑथेंटिक यूजर इसको एक्सेस ना कर ले, इस वजह से स्टोरेज वो नहीं कर रहा। तो यानी कि कंप्यूटर में भी ऑप्शन होता है कि आपने स्टोर करना है या नहीं करना, वैसे बिल्ट इन स्टोर हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आज के लेसन की कोई भी क्यूरी है तो आप कॉमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें या हमारी ईमेल आईडी पर हमसे कॉन्टेक्ट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्स। अल्लाह हाफिज।